गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन आई एम अरबिंद सोनी योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम एबीपीएस रेहला एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर फ्रॉम कोर्स बुक चैप्टर राउल द आउल पार्ट जे विलियम्स ओके चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन द मेन कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट एन आउल दैट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर आउल्स इन हिस्स फैमिली यानी एक ऐसे आउल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो अपनी फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट था ऑन एन ओल्ड हॉलो ट्री नियर द एज ऑफ द थिक वुड्स लीव द फैमिली ऑफ ऑल्स यानी ओल्ड हॉलो हॉलो मीन्स दैट इज पेड़ों में एक तरह का खोखला जो होता है स्पेस जिसमें कि बर्ड्स अपना होम बना लेते हैं उसे बोलते हैं हॉलो ट्री नियर द एज ऑफ द थिक वुड एज मीन्स किनारे थीकुड वुड्स मीन्स फॉरेस्ट यानी जंगल के किनारे एक हॉलो ट्री में एक फैमिली आउल की रहती थी ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच लीड द यंगेस्ट आउल राउल और उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में सबसे छोटा आउल जिसका नाम राउल था वो रहता था ही वॉज पोलाइट एंड चेयरफुल वह बड़ा विनम्र और चेयरफुल खुश था बट ही हैड अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर एन ऑल बट उसकी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी कुडेंट सी इन द डार्क बेसिकली जो आउल्स होते हैं वो दिन की रोशनी में नहीं देख पाते हैं और रात को बिल्कुल क्लियर देख लेते हैं बट यहां पर राउुल की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी इट्स क्वाइट डिफरेंट वो दिन में देख सकता था बट रात में नहीं देख सकता था एवरी इवनिंग इज फैमिली वुड वेकअप यान स्ट्रेच एंड स्टार्ट आउट प्रत्येक शाम उसकी जो फैमिली थी फैमिली में वो शाम को उठते थे यानी रात में उठते थे यान स्ट्रेच एंड स्टार्ट आउट जमाई लेते थे जैसे सो के जनरली हम जो सो के जब उठते हैं तो थोड़ी जमाई सी आती है और वो बाहर उड़ जाते थे राहुल वुड ब्लिंक एंड प्यर एंड स्ट्रेन हिस्स आइज बट राहुल को देखने में बहुत स्ट्रेन मीन्स थोड़ा तनाव महसूस होता था बट ऑल रिमाइंड लेकिन बाहर बिल्कुल अंधेरा उसे मतलब अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था वेन द मून वॉज डीमली सी द शेप ऑफ ट्रीज जब मून मींस चंद्रमा जब निकलता था तो उसकी रोशनी में वो हल्का शेप देख सकता था पेड़ों की छाये पेड़ों के शेप को महसूस कर सकता था बट ही हैड टू फ्लाई वेरी स्लोली एंड क्लोज टू द ग्राउंड लेकिन वो बहुत धीमे और बिल्कुल जमीन ग्राउंड के करीब से उड़ता था ताकि अगर वो किसी चीज से टकराए तो उसे चोट ज्यादा ना लगे सिंस इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू हंट हालांकि उसके लिए मुश्किल था शिकार करना यानी जो भोजन की तलाश में लोग रात में निकलते थे इनकी और फैमिली ये शिकार नहीं कर सकता था ही हैड टू गो होम अर्ली एंड वेट टू बी फेड वो जल्दी अपने घर वापस लौट जाता था और इंतजार करता था फेड के लिए मतलब भोजन के लिए हिज ब्रदर्स ब्रॉट हिम डिनर इन टर्न्स उसके जो भाई थे वो टर्न्स मिन्स हो गया कि जैसे आज किसी को लाना है तो कल कोई और लाएगा उसके लिए भोजन अपनी अपनी बारी से वो उसके लिए डिनर लेकर के आया करते थे हावेवर दे कॉन्स्टेंटली लाफ एंड हुबिलिटी टू हंट हालांकि जैसा नॉर्मल घरों में होता है कि अगर हम घर में छोटे बच्चे हैं भाई बहन हैं वो डेफिनेटली एक दूसरे से लड़ते हैं वैसा ही यहां भी सेम थिंग हियर यहां भी वे दोनों उसके लिए भले भोजन लाते हैं खाने के लिए बट वो उन्हें उसे चिढ़ाते भी थे किस लिए एट राउल्स इन एबिलिटी टू हंट क्योंकि वो शिकार नहीं कर सकता हेटेड दिस राहुल को ये पसंद नहीं था एट लास्ट राहुल को डॉट स्टेंड एट इट एनी लॉन्गर बार बार टीज करने की वजह से राहुल अब वेट नहीं कर सकता अब वो कोई डिसीजन लेना चाहता था दिस वॉन्ट टू डू ही सेट फॉर्मली टू हिमसेल्फ अब ऐसा नहीं चलेगा उसने फॉर्मली मीन्स दृढ़ता से खुद से बोला आई विल हैव टू चेंज माई हैबिट्स मुझे अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा एंड देन एंड देयर ही मेकअप हिज माइंड टू डू समथिंग डेरिंग जैसे तैसे उसने अपने दिमाग को प्रिपेयर किया कि अब वो कुछ ऐसा काम करेगा जो वाकई में डेरिंग डेयरिंग में होता है थोड़ा जोखिम भरा काम वी डिसाइडेड टू स्लीप ऑल नाइट एंड वेकअप इन द मॉर्निंग उसने डिसाइड किया कि मैं सारी रात सोऊंगा और सुबह उठूंगा जस्ट अपोजिट टू हिज फैमिली वेन द फैमिली हार्ट ऑफ द डिसीजन मदर एंड फादर वेरी अपसेट जैसे ही उनके मा माँ पिता उसके डिसीजन के बारे में उन्होंने सुना वे बहुत अपसेट हुए अपसेट मीन्स नाराज होना हैड हार्ट ऑफ सच अ थिंग मदर क्राइट एंड ऑलमोस्ट फेंटेड क्राइट एंड ऑलमोस्ट फेंटेड मीन्स होता है बिल्कुल वो बेहोश होने के का, कार पे आ गई क्या कहती है एवर हैज हर्ट ऑफ सच अ थिंग्स ऐसा किसी ने सुना है कि आउल्स दिन में बाहर निकलेंगे और रात में सोएंगे डिस्ग्रेसफुल सेट फादर नन ऑफ आवर फैमिली हैज एवर डन सच अ थिंग ना डिस्ग्रेसफुल मीन्स शेमफुल उन्होंने कहा ना ये बहुत ही शर्म की बात है हमारी फैमिली में से कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसने ऐसा किया हो रूफस वन ऑफ द मिडिल ब्रदर ऑफ रीड अ लॉट सेड रूफस जो उसका एक भाई था मिडिल ब्रदर हु रीड अ लॉट सेड जिसने की कहीं पढ़ा था वो कहता है नो आर्कडिक आउल हंट जुनली जुनैली मीन्स दिन में आ, आर्टिक जो आउल होते हैं आर्टिक के आर्टिक एक ध्रुवी प्लेस है यहाँ के जो आउल होते हैं वो दिन में शिकार करते हैं दैट इज ड्यूरिंग द लॉन्ग डे लाइट आवर्स क्योंकि वहां पर दिन थोड़ा ज्यादा लंबा होता है वी आर नॉट आर्कटिक आउल्स क्राइड फादर कोल्डली कोल्डली मीन्स इन एन अनफ्रेंडली मैनर उसके जब उसने कहा रफस ने कहा तो उसके फादर ने कहा वी आर नॉट आर्कटिक आउल आउल्स हम लोग आर्कटिक आउल्स नहीं हैं होल्डर ब्रदर्स लाउड री कॉजली मीन्स लाउडली एंड व्यूडली हो मे बी ही इज इंट एवन एंड आउल शायद वो आउल है ही नहीं हि इज योर ब्रदर फादर सेट फादर थोड़े नाराज हुए और कहीं ये तुम्हारा भाई है क्योंकि वो कमेंट कर रहा था प्लीज लीव ही मेलोन उसे अकेला छोड़ दो देन ही टर्न टू राउल एंड said gently, if you insist, you can try. अब उन, उनके पेरेंट्स ने सोचा कि ये तो मानने वाला नहीं है तो अब इसको समझाने से अच्छा है कि इसको कहा जाए कि जो तुम्हें समझ में आ रहा है करो इंसिस्टमेंस होता है टू बी फर्म अगर तुम बिल्कुल डिसीजन ले ही चुके हो यू कैन ट्राई तुम ऐसा करो बट रिमेम्बर टू बी अ गुड आउल ऑलवेज लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम एक अच्छे आउल हमेशा बने रहोगे Next page, continue. Father patted Mother's wing and whispered, "Don't worry, my dear. He will soon change his mind." Father, जो है वो माँ को सांत्वना देते हैं. Patted में सोता है थप थप हुए. Don't worry, my dear. He will soon his change his mind. जल्दी ही अपने दिमाग को change कर लेगा. मतलब जो उसने सोचा है वो जल्दी ही छोड़ देगा. The following morning, when his family was going to bed, अगली सुबह जब उसके फैमिली मेंबर सोने के लिए वेट पे जा रहे थे राहुल गॉट अप, राहुल उठा स्ट्रेच एंड स्टेप आउट स्टेप आउट मीन्स उठा और अपने फंग फैलाया और बाहर क्यों निकल गया ही settled आउट ऑन द ब्रांच एंड looked अबाउट सेडल मीन्स होता है थोड़ा सरमाते हुए बाहर क्यों निकलता है ब्रांच पर बैठता और चारों तरफ देखता है वाओटेड wow, यू कुड सी एवरीथिंग वो सब कुछ देख सकता था एंड देयर वॉज सो मच टू सी और बहुत कुछ देखने के लिए था अ ब्राइट हॉट एलो थिंग्स इन द स्काई फॉरेस्ट ब्राउन एंड ग्रीन फार अवे मेडोज ग्रीन फुल ऑफ फ्लावर्स यानी जब वो पहली बार घर से बाहर निकला तो उसे सारा पूरा कलरफुल चीजें दिखाई दे रही थी ग्रीन ब्राउन स्काई यानी सब कुछ वो फील्ड मेडोज पूरा फील कर रहा था वो एवरीथिंग जिसने वो आज तक कभी नहीं देखा था राहुल स्प्रेड हिज विंग एंड फ्लू आउट राहुल अपने विंग को फैलाता है और बाहर उड़ जाता है हैल लाइफ so उसने कभी भी इतनी सारी कलर में पूरे जीवन में नहीं देखा था फेल सो गुड दैट ही फ्लू अप साइड एंड डिट बैरल रोल्स एंड लूप ऑन लूप लूप एंड लूप द लुप्स मीन्स बैरल रोल्स जिस तरह से आप देखते हो गे जो हवाई जहाज फ्लाइट करते हैं बिल्कुल उस तरीके से उड़ मतलब मस्ती से उड़ रहा है दोपहर में उसे भूख लगी स्पाइट स्मॉल माउस स्पाइट मीन्स होता है जैसे अचानक किसी को देखना स्मॉल मॉस बिहाइंड एनओल्ड बॉन्ड बान, बान मीन्स खेत उसने खेत में एक मॉस को देखा swooped डाउन ऑन इट Swoop मींस होता है जैसे बहुत तेजी से किसी को झपटे ज़प, से पकड़ने के लिए ऊपर से नीचे की ओर जाना ओ प्लीज मिस्टर हॉक लेट मी गो स्क्ट द sad लिटिल माउस होल्डिंग his लिटिल हैंड together, अपने दोनों हाथ को जोड़ करके उसने कहा मिस्टर हॉक हॉक मींस होता है बाज कृपया आप मुझे छोड़ दो राउल्स हार्ट वॉज टस्ट लेट द माउस गोफ्री उसका जो हृदय था वो थोड़ा इमोशनल हो गया और उसने उसको छोड़ दिया बट वाई डू यू कॉल मी अक उसने पूछा लेकिन हॉक क्यों बोला द सेवरिंग माउस लोली लुकडअप एंड सेट गुड हेवेंस यू आर नॉट अ हॉक यू आर एन ऑल सेवरिंग मींस कांपते हुए धीरे धीरे उसने उसको देखा और बोला गुड हेवेंस ओ यू आर नॉट अ हॉक तुम हॉक नहीं हो यू आर एन ऑल तुम तो आउल हो वॉट ऑन अर्थ आर यू डूइंग आउट इन डेट टाइम आर यू क्रेजी तुम दिन में क्या कर रहे हो इस धरती पर क्या तुम क्रेजी मीन्स होता है पागल हो गए हो आई डोंट थिंक यू ऑट टू बी शो रूड आफ्टन यू अब आउल्स को थोड़ा गुस्सा आया उसने कहा कि तुम मेरे से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा आई एम सॉरी सेट द माउस प्लीज फॉर गेव मी मुझे माफ करो उसने तुरंत माफी मांगी माउस ने बट आई है डे लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना किसी को जो दिन में घर से बाहर निकलता हो राहुल एक्सप्लेन एवरीथिंग एक्सप्लेन एवरीथिंग मीन्स सारा कुछ राहुल ने उसे समझाया दैट इज द्रेवेस्ट थिंग आई एवर हार्ट ऑफ सेट द माउस उस ने कहा कि इस तरह मैंने पहली बार इतनी बहादुरी वाली बात मैंने सुनी है कि कोई आउल जो दिन में अपने घर से बाहर निकलता है थैंक्स बट आई एम वेरी हंग्री क्राइड आउल राहुल राहुल ने धन्यवाद दिया बोला कि मैं बहुत भूखा हूं माई नेम इज बतराम वट इज योर आज द माउस माउस ने अपना नाम बताया मेरा नाम बर्तराम है वट इज योर नेम And Raul reply, Raul. Okay children, now I am going to stop here. The remaining pages will continue on the next class. Till then, keep steady. Bye-bye.